हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ ये व्रत वाले आटे की, मतलब जो नवरात्रों में कुट्टू का आटा होता है उसकी रोटी परांठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने वो आटा लिया है और आलू, बॉयल्ड आलू मैंने उनको ग्रेट कर लिया। अब मैंने इसमें एक हरी मिर्च और खूब सारा धनिया ऐड कर लिया। अच्छे से ये मैंने मिक्स कर दिया। अभी मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। इसमें मैं 2 से 3 स्पून मैं इसमें ये घी ऐड करूँगी। ये देखिए, ये आटा इतना तो बिना पानी के ही हो चुका है। अब मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, 2 से 3 चम्मच धीरे धीरे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये आटा ना ज़्यादा पानी नहीं लेता। ये 2 चम्मच पानी में मैंने इस आटे को अच्छे से गूंथ लिया। अब मैं थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से रसा लूँगी। ये मैंने इसका एक पेड़ा अलग कर लिया। मैं इसको हाथ पे ही बनाऊँगी। ये मैंने तवे पे थोड़ा सा घी लगा दिया, तवा ऑलरेडी गर्म था, तो अब मैं इसको आराम से इसके ऊपर रख दूँगी। अब एक मैंने ये लोहे के तवे पे बनाई है, आयरन तवा पे, और दूसरी मैं आपको नॉनस्टिक तवे पे बना के दिखा रही हूँ। ये एक साइड मतलब कुक हो चुकी है। आप देखिए, मैं इसको टर्न कर रही हूँ, इसकी साइड टर्न करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो आप ना भी अप्लाई करेंगी तो भी ये एज़ इट इज़ कुक हो जाएगी। मैं इसकी एक बार साइड फिर से टर्न कर रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, ताकि अंदर से भी कुक हो जाए अच्छे से। और ये जो मैंने नॉन स्टिक पर डाली थी, अब हम इसकी भी साइड टर्न कर देंगे। ये भी साइड से कुक हो गई है। ये कुक हो गई है, मैं इस पर घी अप्लाई कर देती हूँ और ये रेडी है। ये जो नॉन स्टिक पे कुक हो रही थी, ये भी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसको भी मैं उतार लूँगी। तो ये है आज की नवरात्रि स्पेशल थाली। ये कुट्टू के आटे की रोटी, घिया की सब्जी और ये सैलेड। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।